वो काफड़ा है वो पैदल पे आने। अच्छा हिंदुस्तान पैदल आने रस्ते में हूँ लोगे ने जो है लड़के को खास ठीक है तीन चालीस लड़के को मुसलमान बड़े से शादी करे से जो हमने जुर्म किया हमने सारे कुएं इनकी लाशों से भर दिए। अच्छा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मैं तुहाडा मिठड़ा भीरा मनु मेहता ते स्वागत है तुहाडा सारे दा साडे यूट्यूब चैनल ते जिथा असा दिखेने हैं यादा साडे बुजुर्गे दी जेरे ओ पाकिस्तान तो घिन के हैं ते आज भी अपने दिल ही समेटी वदन यादा अपनी वस्ती दी वर्णन तो चाहन लेकिन वर्ण नहीं सकते। ए जे ही एक बुजुर्ग वार जो अज साडे नाल आवण वाले ओ हैं दाजल बस्ती दे और पैदा थे लाहौर च लेकिन उन्हें दी देखो कि विभाजन दे बाद एक बारी खुद लाहौर थी आए पर पाकिस्तान का भी गेड़ा मार आए सब कुछ याद है ने ईवन आज भी चाहन कि आन वन शुरू थी वन चाहिए है लेकिन मजबूरिया सारे तो अगवन तो वीडियो शुरू करने पहले मेरे सारे को एक गुजारिश साढ़े चैनल को देते बहुत लोग पाए लेकिन सब्सक्राइब नहीं करने पाए तो साढ़े चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन का बटन दबाओ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना तो ज़्यादा देर ना कहने हुए आओ शुरू करने हैं आज दी वीडियो। सारे नाल ही टाइम रमेश कुमार वर्मा जी जेरे पाकिस्तान दाजल बस्ती दे रावण वाले हैं ते विभाजन दे टाइम ते इन्हें दी उम्र लगभग 9-10 साल आई चौथी जमाती पढ़ते हैं सब कुछ याद है ने और खास गल ये है कि विभाजन तो इतना ही सैट थी वन दे बाद एक बारी वल पाकिस्तान थी आए तो ज़्यादा देर ना कहने हुए आओ चलते हैं वर्मा जी लो। वर्मा जी कितना रहा आवे तुसा दाजल दाजल केड़े सन का जन्म मई तुरा 1937 तो बस्ती आई दाजल क्या आई पहले तो कोई वड्डा शहर आई क्या आई ये केड़ी तहसील आई म्यूनसिपल कमेटी है जामपुर की तहसील है। अच्छा तहसील जामपुर आई और मिडिल स्कूल भी है वाले दा जी हाँ और लड़कियां जी एक समाज मंदिर है उन पाठशाला आई पुत्री पाठशाला। अच्छा जी अस वैदक स्कूल पढ़ते जो बस अड्डे नाल है। अच्छा उतनी बस अड्डा होता है जमाने एक बस आँगी सवेरे शाम को आँगी लगी वो कितों को आँगी आई देरा गाजी खान तो। अच्छा एक बस चलती आई वाले वाले चलती है तुम्हारे पिता जी का नाम क्या है दादा जी का नाम क्या है। पिता जी का नाम लाला तारा चंद लाला तारा चंद दादे का नाम है लेखू राम। अच्छा तो आस पास जो घर हैं और चाचे वगैरह कौन कौन अपने घर हैं या कोई बे भी हैं चाचे मेरे तो कहना मेरा प्यो कला है जी बाकी उन्हें सौत बेरा हैं उन्हें आड़त का काम है सरसों का। अच्छा और घाणी तेल तेल की घाणी भी हैं क्या ना है उन्हें मोटन राम जरा अपना आड़त का काम करते सेठ मोटन राम है। अच्छा मोटन राम है तो बस्ती जो तेल का काम करेंगे जी हाँ लाला फत्तू राम है। अच्छा लाला फत्तू राम हाँ तो धर्म धर्मचंद एक बेबी हैं दौलत दौलता राम जी। अच्छा हाँ ये सारे पड़ोसी आवे ना वो भी जगह रहा वो दौलता राम जी जड़े हैं घर होने का जले चाहिए कई बस्ती कम करेंगे आंदे वेंदे उन्हें घोड़े रखे भी हैं। अच्छा वेंदे बस्ती चो हफ्ते बाद आए अपना समान घेन के चल कर। अच्छा 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 अपना क्या कारोबार आई मेरा कारोबार मतलब अपने परिवार का याद है कुछ मेरे को याद कहीं नहीं हूँ क्या कारोबार है पिताजी मेरे इंग्लैंड थी आए हैं। अच्छा जमाने हाँ फ्रांस भी थी आए हैं मैं कहीं वीजा लाते था पासपोर्ट लाते थे पिताजी का हाँ लार्ज बैंक लिया पासबुक वो भी क्या दिन पासबुक भी है पे। अच्छा फोटो भी है उन्हें दादे की भी फोटो है भाई क्यों की फोटो भी है भाई। अच्छा तो वो टाइम ही इंग्लैंड से फ्रांस कित वरना साधन क्या है ना हवाई जहाज ना पानी वाला जहाज वेंदा है। अच्छा पानी वाला जहाज वेंदा हाँ अडू पता कितनी अडू जाने रखते हैं पता नहीं महीना लगता है कितनी मेरे पता नहीं। हाँ 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 तो बस्ती घर याद है भी कि जहाज होंगे आस पास खुराने के वेड़े सा दूजा मकान होता पहला सजे हाथ केड़े वेड़े खुराने के महल। अच्छा खुराने के महल हाँ वो जो मेरे ताई चाचे रहते हैं सारे रंजन कमीरे के महल। अच्छा उन्हें मोहल्ले वंडी चे हुए हैं हाँ खुराने हैं खट्टर हैं कथूरे हैं। अच्छा मेरे ससुराल कथूरे हैं। अच्छा इतने आके पाकिस्तान तो आके थी नगी नगी ने सेटल थे। अच्छा अच्छा अच्छा
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਖੁਰਾਣੇ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਾਈ ਬੋਲੇ ਫਸਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਲੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਤੀਰ ਪਏ ਥਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਪਈਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪਏ ਥਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡਿਆ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਉੱਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਾਜਲ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਆ ਆਈ? ਖੀਰ ਪੇੜੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਈ? ਦਾਜਲ ਜਿਤਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾਜਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾ ਜੰਮਪੁਰ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਲਸਾ ਥੇ, ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਜਲਸਾ ਥੇ, ਲੋਕ ਜੰਮਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸਤੇ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਆਓ ਭਗਤ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਖੀਰ ਪੇੜੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦੇ ਨਾ ਮਟਕੇ, ਕੁੰਨਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਤਲਾਇਆ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਚਾਰ ਤਲਾਇਆ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਤਲਾਇਆ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਤਲਾਇਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪੀਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਣਾ ਤਲਾਇਆ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੱਕੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਯਾਦ ਆ। ਖੂਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਖੂਹ ਕਈ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਆ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਖੂਹ ਡੂਹ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌੜੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਤਲਾਏ ਤੋਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਇਕੱਠਾ ਥੀਂਦਾ ਉਸ ਪਹਾੜੇ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਛੁੜੇਦੇ ਹਨ ਉਹ, ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਥੀ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਤਲੇ ਫੇਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣ ਡੁੰਬ, ਉਹਦੇ ਗੱਡੇ ਘੋੜੇ ਪੀਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਓ। ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਹੂੰਗਲੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਗਿਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗਿਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੜੇਸੂ ਲਿਖੇ ਸੂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਸੀ, ਕਿੱਥਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਣ ਆਏ ਜੰਮਪੁਰ 'ਚ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੂੰ ਵੇਲੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਦਿਰਗਾ ਦੀ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਨੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲੱਥ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਿਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੱਤੀ ਜਾ ਹੈ। ਕਿਆ? ਜੱਤੀ ਜਾ? ਅੱਛਾ, ਉਸ ਕੋਈ ਜੱਤੀ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹ ਜੱਤੀ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛਣਛਣ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਤੀ ਵੇਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦਾ ਛਣਛਣ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਸਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਾਤ। ਅੱਛਾ, ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੀਵੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲਾਲਟੈਨ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਮੀ ਹਨ, ਡਾਂਦ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਸੋਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਦ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਡਾਂਦ ਹਨ ਜੀ ਜੀ, ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ? ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਇਆ, ਬਲੋਚ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਨੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਕਰੋ ਰਾਤ ਹੈ,
अंदर ना भेजना, उन्हें को राशन पानी दिता खवाओ, इन्हें को भी खवाओ। तो वो साकू जे तक अस मुजफ्फरगढ़ निशे पहुंचे, हर चला दें अही पास अही पास अही पास, अपने बंदे अच्छे हैं सारे, वो मुसलमान बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें उजवा दें जे हिंदुस्तान तो मुसलमान गए वह बदमाश हैं। अच्छा जे थो गए अच्छा जे अपने मुजेरे तो मुसलमान होंगे ना। हाँ मुजहरे मुसलमान, मैं वो भी तो दस मुजहरा मेरा एक तया है जी हाँ फतू राम, उनके बच्चे लड़कियाँ तो हैं प्या, लड़के भी हैं पे, छोटा लड़का रे जिम्मे माँ मर पाई उन्हें। अच्छा वो मुजहरे की दाल पिने रह गया। अच्छा इतना प्यार मोहब्बत आई। हाँ वो बंदा रिटायर थे एम्बेसडर राजदूत, वो जरा बाल ही छोटा बच्चा वो हूँ मिलेगा। मैं कहूँ उसका 10 साल जो उसे जमे हुए ना 10 साल छोटा है। मैं कहूँ वो रिटायर थे न्यूडा रहा एम्बेसडर रिटायर थे ना। इंडियन फॉरन सर्विस लाइक थी, मतलब इतना प्यार मोहब्बत हाई ऊंट जमाने अच्छा ही प्यार मोहब्बत बिल्कुल अच्छा। ये तो बाद रोले पैन ता खराब थे एक भी मिसाल देना जी हाँ। ये साढ़े एक मामे भेण आई मामा जी रहा वो खड्डियान होने दिया मुल्तान जी हाँ। उन्हें भेण जी है बस्ती च पढ़ी है उन्हें घर वाला ही पढ़ा है उन्हें बाल हैं वो काफला है वो पैदल पे आने। अच्छा हिंदुस्तान पैदल आने पर रस्ते में हूँ लोग ने जो हम लड़के को खास गए फेंक गए तीन चालीस लड़के को मुसलमान मुड़े से शादी करे से काफला चला गया अपना बिना प्यार चले गए। उन्होंने अपना सारे पंचायत कट्ठी थी भी हूँ मुस्लिम करने पढ़ाओ सब मुसलमान पढ़े नहीं यार जरा सरपंच है ना पहले होंगे पत्र को पढ़ना हो कल को आखिर भी या कि मैं थोड़ा आख्या हूँ जी छूटा वो हाथ हूँ कंटी खुलया वो मास्टर की धीरे आज ओए मेरी भेण है मैं शादी नहीं करनी करे सो तुठा भी करे सो मैं मर बैसा। वो बंदा हूँ लड़की को भेण के बार्डर दिया पुलिस कने गए पुलिस को परमिशन की दी उन्हें पूछे ये काफला कितना क्या पहुंचे। अच्छा मैं कि अंबाले पहुंच गए आखिर मेरे को परमिशन दिया मैं उन्हें हाथ अमानत दिया उसको। अच्छा वो बंदा आके अंबाले लड़की को दे गए। अच्छा जी ऐसे भी हैं मुसलमान और होना चाहिए थे आके आके पढ़िया लिखे माँ साड़ी जी है हूँ बस्ती में जेड़े लड़कियाँ बिडो हैं पढ़ नहीं सकते हैं उन्हें को पढ़ाया अपने घर फ्री पढ़ावना। वो फ्री पढ़ावना के बाद वो ऐसा चक्कर चले वो हिंदुस्तान फिर उन्हें नौकरी मिल गई कमेटी का स्कूल है प्राइमरी स्कूल पढ़े हैं उन्हें लिखा खड़े 15 रुपये तनख्वाह मोड़ लगी खड़ी सरकार की। अच्छा उतें ही लेन देन आपस में होता ही मुसलमान हिंदू है देखो सर छोटे होंगे ऐसे होंगे होंगे क्यों ना वो सबको आते हैं कि साढ़े बालने तुम्हारे घर बजे तो सबको बेफिक्री आँगी। अच्छा सही समझते भी खराब आदमी है। हाँ इतना होने इतना प्यार मोहब्बत आई। मैं जरे गया ना लाहौर वो दसे कि देखो जी जी जिधर से आए हैं वो लोग पट्ठे हैं जिधर से आए हैं सब बदमाश। अच्छा भैया जे स्कूल पढ़ते आवे हाँ। कोई यार दोस्त उस्ताद का नाम याद आवे कौन हाँ, हाँ। मैंने केवल राम साढ़े मास्टर हेडमास्टर होंगे प्राइमरी स्कूल का पाठशाला एक ओम प्रकाश आता है एक ब्याह भी होंगे जी पंडित जी हैं हिंदी पढ़े मुसलमान नाल पढ़ते हैं नहीं। अच्छा वो ना पढ़ सारे हिंदू वो जरा मिडिल स्कूल है ना उनके मुसलमान भी आने हिंदू भी आने। अच्छा लेकिन इतना ही ना आने। अच्छा 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 आने वाले साधन क्या साइकिल शहर है कई सर बस वो भी एक हिंदू है उन्हें कहने साइकिल है बाकी साधन है उन्हें घोड़े गड्ढे घोड़े रखे होंगे लोगों ने उठ के चावे भी चलते हैं। अच्छा उठ के चावे गड्ढे घोड़े ही नहीं जाने वाले उन्हें एक हस्पताल भी है पे ऊन जमाने शहर के बाहर और हूँ वेले उ गवर्नमेंट की तरफों खुद ही पीछे नहीं गैस चले और गैस उसे निकलती पी है हूँ। अच्छा गैस बने ना चले जी 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 उसे गैस निकलती पी है। अच्छा उन जमाने की रिसर्च थी नहीं पी अच्छी नहीं पी रिसर्च वो अंग्रेज चेक करने उसी जड़ा भी साधन 75 साल पहले हाँ
अच्छा वल उठो निकले कि में निकले में अगले छन मिलिट्री पहुंच गई जी हां रोज एक मुखिया का बेड़ा है उसे सारे बांधे बने ने बे आज ही बने आज ही बने आज ही बने आज ही बने अपना सम्मान चाहो क्या चाह सकते हो जो टेंट पुंडे पैसे वैसे कुछ होंगे लोग गाने शाने चाह कराने अपना बस बजा देने अगू मिलिट्री चलते ट्रक एक वो देरा गाजी खाना आ देने अच्छा मंडी छोड़ देने मंडी खाली है कमरे चल पो अपना उत शाम शाम मंदिर बनया खड़े वो भी अपना देरा गाजी खाना मंदिर चो ओरिजिनल मूर्ति उतो माता जी चाहन इतना शाम मंदिर एक मामी है मामी वो रही सही हो हाई बिडो शायद वो मामी जी उतों चाह आन अच्छा वो होने होंगे भतरीजे पुत्रीजे हैं पे गुसाई आते अपने आप हाँ वो मूर्ति इतनी स्थापित हुई है और ये देखो कि जेड़े असा उतनी पहुंचे देरा गाजी खान अगु दरिया है देरा गाजी खान असें मुल्तान तो कोई ना रेल है ना रोड है कुछ कहना है जहाज चलता है पानी का तो सर भी एक बस आती है वो देरा गाजी खान दाजल होंगी ना अच्छा दाजल तक आने बस वो जरा दरिया है सिंध क्योंकि पांच दरा मिलते हैं वो भी चौड़ा है दही गन लगते हैं स्टीमर ही ये तो ही ये पहुँचता है अच्छा इतना लंबा चौड़ा है दरिया दरिया है सिंध दरिया सिंध स्टीमर चलता है तो सब उन्हें डीजल दे इंजन लगे होते हैं तले लिख रहे हैं उन्हें ट्रक भी आवेंदे हैं घोड़े गड्ढे भी आवेंदे हैं औरत भी आवेंदे हैं वे होने हाँ ढाई घंटे लगते हैं एडो फटे रख के जगह बनी होंगी जै वन उन्हें तो वे उदो कढ़ने भी बने दिया उतों वल बसें से चढ़ के मुजफ्फरगढ़ आए मुजफ्फरगढ़ कैंप बनया हुआ है अच्छा उत सब फिर मुसलमान दाजा दस दिन आंदे अच्छा अब बोलवा अपने ख्याल रखना जरा पहले दस दिन असा रात को जो बड़ी सारी वारी है भावें ना गड़ी कड़ बने भावें लड़ भेड़ करानी रात को मरने बंदे को उन्हें जो आए बह के छत्ते बह के अद्वे मिलिट्री की होंगी गड्डी डब्बा हमने मिलिट्री मोर्चे बने होंगे ठीक है मिलिट्री होंगी तो पांच छह डब्बे या पांच सत्त डब्बे अगों पिछे होंगे अगो पिछो सारे ठीक है वो सब कुछ हिंदुस्तान कहना है ट्रेन तो नथे रस्ते लोगों पिशाब पीते पानी कहना है उसे जे पहुंचे हैं उसे भी हिंदुस्तान जिंदाबाद नेहरू जिंदाबाद पटेल जिंदाबाद नारे लगे उस गुरुद्वारे रहा खाने खाओ पराठे रोटियां खाओ जो मर्जी खाओ लो मिठा भी है नमकीन भी है पानी भी है जो पियो रोटी शोटी खा लिए सवेरे बार जलंधर स्टेशन के बाहर मिला लेते हैं सारे ट्रक आए ट्रकें भर के फिर मिलिट्री के कैंप खाली थे हैं मिलिट्री बार्डर से गई उसे मुझे मैं गो सुनियो अपने इतने उन्हें पार्किंग बने ना जी जी ट्रक खड़े थे उसे मेरे को याद है मेरी माँ ने रोटी पकई लकड़े बलिया पैन जी अपने बोछन उत्ते आटा मल के उनकी रोटी पकई रात को उसने खाधी सवेरे फिर उठो से जिमें वा बैरक है पांच सत्त पर पांच सत्त ही पोत्र पुत्र समान है डाडा डाडी सब उसे बैठे बैठो दूजे जाड़े दिवाली त्रीजे जाड़े सवेरे मिजो लाइन से खड़ो हाँ जी कितने बंदे चार बंदे ए नमक ए हल्दी ए आटा ए लून चंद मतलब राशन देंगे बनाओ तो खाओ अपना उतें ही जरा कैंप कमांडर है वो जो सा इनकम टैक्स अफसर है ना मामा जी जी उन्हें बड़ा लड़का है वो दे काकी तू आ गई बुआ मर दी पी दिल्ली अच्छा वो वाली मेरी धीजा क्या थी ठीक चलो लड्डू वंडे उन्हें रात को ही डैडी फोन कर दिता कमांडर ही कैंप कमांडर सवेरे साढ़े माता जी दूजे नंबर आए मामा जी लाला जमन दास जी वो आए सब कुछ उतों गया अच्छा असं दिल्ली आ गए दिल्ली आ के झुग्गियाँ बनिया मैं लकड़ी झुग्गियाँ बैठे जा गए जिसे राजघाट है ना जी जी उनके सामने वो एक बनया खड़े पावर हाउस भी खाली हाउ मोले खाली जमीन हो सी हाँ डिंगर डूंगर बने खड़े उसे रहे हैं उसे कम अज कम त्रै चार साल रहे अच्छा असं तो जल्दी भी हम आ गए हैं सवेरे क्या करें असें अखबार भी चेंदे असें असा मैं अखबार भी चाहता सवेरे शाम को निकलता एक इवनिंग न्यूज और टक्के दा बिंदा है अलग काके जी पढ़ के दो पैसे सिर इवनिंग न्यूज अच्छा बल साड़ी माँ दी नौकरी लगी फिरोजपुर पंजाब पंजाब मैं पंजवीं छेवीं पंजवीं थी पढ़ता पाया
छीवी सतवी अठवी नौवी दहवीं से पढ़िया फिरोजपुर वाल दो साल डिप्लोमा की इंजीनियरिंग का वाल दस साल नौकरी की रेलवे की। अच्छा रेलवे लग गया वे। हाँ अच्छा वाल तुसे उथे भी तो गया वे पाकिस्तानी एक बारी वो जेरे मैं कॉलेज पढ़दा जी हाँ फगवाड़े जी हाँ 1954 हाँ 54 पास की है 55-56 दो साल से रहे 54 दरमियान ही लाहौर गए। अच्छा देखो थोड़ा मकान लाहौर भी चाहिए ना लाहौर जैसे अपना मकान तो मेरे को याद कहें कितना ही जैसे मैं मामे ने घर आना हूँ मेरे को याद जगह मामे ने घर मैं उसे गया बड़े खुश थे लोग और टेंशन लगता है ना लाला जी हमारे घर चलो लाला जी हमारे घर चलो लाला जी हमारे घर चलो भाई आए हैं हफ्ता रहना हमने तो साढ़े नाल त्रे चार बाल बेबी हैं जी जी हाँ एक बंदा ब्याह एक तो मामा ही नहीं आई एक अगू हूँ ब्याह दोस्त आई जी हाँ और नवे शहर ओपे कर देने बेसक हूँ एक उस्ताद है लाहौर वो चिट्ठिया पे आपस बेटे कभी आओ तो आओ वीजे पासपोर्ट लौटना बनिया अठा ने गिंदे अच्छा रुपया पे अठा ने फार्म भरो फोटो खिंचवाओ काले कैमरे आए जी सबको पता ना पाकिस्तान सारे का उसे लिखा कराए म्यूनसिपल टेरिटरी ऑफ लाहौर। अच्छा लाहौर लाहौर बाहर नहीं बनना सबको क्या पता क्या लिखा उसे गए लथे तुसा कि मेरे घर कि मेरे घर मतलब मोहब्बत आई हूँ भी आई लोग लाहौरों केला गिन बंदे अच्छा पान के पत्ते गिन बंदे सबके पता नहीं पान के पत्ते क्या लिखने सरदार पटकिया में देने चार चार वो बेची आने शाम को वाला आने अच्छा तो असा उतों केले गिदे गए उसे है चलो पहले मास्टर जी बन गए हफ्ता रहा उन्हें मैच आई उसे अयो भाई मेरे अच्छा पहला मैच है इंडिया पाकिस्तान ना ना डिक्टेटर यो अच्छा पर मुझे तू तो हाई तक मिलिट्री राज है पहला वो है अयोग सही जी इस हफ्ते जब गए हम थूँ बस से बैठे हैं उस सब कसूर आने पास गाँव ही लुधियाने उसे ही खेल गए लै गए सड़क के बैठे बेंच बह गए चार आला बैठा ही रखिए कि खड़े बनने तुम एक समझा सरदार साढ़े नाल ही पै बाल सारे कट्ठे सिख आ गया सिख आ गया सिख आ गया तो पुलिस भी आ गई क्या बात कहाँ से आए हो चार सू पिछे भी कितना बने क्या मिलने आखिर जी हेडमास्टर साहब के रिश्तेदार हैं हिंदुस्तान से आए हैं वो उनके लिए वो अभी आ रहे हैं हूँ हेडमास्टर की वेली वेली होंगी हाई स्कूल का हेडमास्टर है वो लेकिन पुलिस वाले आने वो पक्के होंगे उन्हें काम करना होंगे उन्हें क्वार्टर होंगे उन्हें थानेदार को आख्या कुछ मत कहो मैं अपने आप जाऊँगा हेडमास्टर साहब बड़े खुश थे मिलिए ना ये मेरे दोस्त हैं जी ये इसके जीजा जी हैं जी वो अपने घर गिन गए घर बहने पहला अपनी दाल पता नहीं क्या दाढ़ी तो हई तो उसी 50 साल का उसी और बेगम जड़ी है उसी 25 साल दे। अच्छा अगर बेगम ये हमारे बच्चे आए हैं हिंदुस्तान से जितने ये यहाँ रहेंगे घर में मीट नहीं रखना। अच्छा बिल्कुल नहीं इतनी देर को थानेदार आ गए अरे आओ दुर्गा जी कैसे आए हेडमास्टर साहब आपके बच्चों को देखने आए जो पाकिस्तान हिंदुस्तान आए हैं बड़ी खुशी हुई है शाम की चाय हमारे पास। अच्छा खाना हमारे पास आप भी आना ठीक है जी उनकी ड्यूटी तरीका उन्हें पुलिस वाले को जी जी हाँ रात को सोचते रात को नींद शाम को उन्हें घर गए हैं अब बेटा क्या नाम है रमेश कुमार है क्या करते हो पहले में पढ़ता हूँ अच्छा कहाँ के रहने वाले थे मैं किस दाखिल के रहने वाले थे ठीक 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 अच्छा तो क्या है सारे आनी पहुँच दो कागज़ कहाँ हैं आप भाई ये देखो ये गलत बात है हेडमास्टर साहब सुन लो आप जिम्मेवार हैं ये लिखा है विद इन टेरिटरी ऑफ लाहौर ठीक है अब ये तो 50 किलोमीटर दूर आगे 40 किलोमीटर अच्छा अच्छा अब ज़रा ख्याल रखना कि हमारे आपके क्योंकि बच्चे हैं ये आपके हमारे बच्चे हैं लेकिन इतना ज़्यादा मत रखना इनको कल वापस कर दो ठीक है चला गया रात को सब डर लगे सुमो बात हम थानेदार डाक मार रहे समझो सारे आगे मर रहे इकट्ठे थे नहीं पूछा जी क्या आ रहा है वो चीनी क्या भाव है कपड़ा क्या भाव है ये क्या भाव है बाबू जी क्या पूछते हो यहाँ तो जो आप छोड़ गए थे ना वो भी दुकानें बंद हो गई। अच्छा यहाँ कोई काम नहीं कोई जानता कारोबार कोई नहीं कर रहा थे कभी और मैं तो आपको दसा भी जे हूँ बस्ती चाहे हैं उन्हें सब क्या आखे लाला जी किसी कुएं का पानी नहीं पीना। अच्छा क्यों भाई आके जब पटेल ने कहा 5 गाड़ियाँ भरनी हैं तो जो हमने जुर्म किया हमने सारे कुएं इनकी लाशों से भर दिए। अच्छा
सारे कुएं भर चलो मार के। तो दोस्तों सुने बाबू जी ने सारी ही की छाइयां दसन कि दाजल कितना क्या होना ही, और ऊ जमाने में भी दाजल तो डेरा गाजी खां एक बस आनी मिलती आई, यानी बड़ा अच्छी बस्ती आई, घर याद ने सब कुछ याद ने, लेकिन हूँ उम्र भी थी गई है, तबीयत भी मेरा दिए ता आता बन नहीं सकते। तो मेरी सारे दर्शकों को एक ही गुजारिश कि दाजल दे जेरे आज दे उठाओ दे वीडियो फोटो है नो जरूर भेजना, और कोशिश करना कि जेरे निशानियाँ बाबू जी ने दसन उन्हें आस पास के मोहल्ले दे भेजना, क्या पता आज भी इन्हें कोई याद आवने कि इन्होंने मोहल्ले केड़ा कराई। तो मेरी चलते चलते एक गुजारिश कि साढ़े चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, तो वीडियो को ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर भी करना, जो अस मोहब्बत का पुल पैगाम लेने वे हैं उस ज़्यादा तो ज़्यादा मजबूत हो सके। नमस्कार।